मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, सी कोई मेकअप नहीं है। अल्कोहल, अल्कोहल आपकी स्किन को और वर्स्ट कर देता है। इन प्रोडक्ट को यूज करना सीरियसली आज से बंद करो ना। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके एक्ने नहीं खत्म होंगे, खत्म होंगे, वापस आ जाएंगे, रिपीटेड रहेगा, ट्रस्ट मी। लोगों को लगता है ना कि बस ये ऐसे ही है, छोड़ो हटाओ, क्यों ही, क्या ही यूज, बस ऐसा नहीं है। एक एक चीज इंपैक्ट करती है आपके स्किन पे, आपकी हेल्थ पे। प्लीज इसको यूज करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइट लुक्स। मैं नाम है नौशीन। और क्या आपको भी बहुत सारे एक्ने होते हैं रिपीटेड, मतलब एक निकला फिर खत्म, फिर दूसरा आया, तीसरा आया? तो मैं आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताऊं जिसको आपको आज तुरंत के तुरंत बंद कर देना है, वरना चाहे आप कुछ भी कर लो आपके एक्ने नहीं खत्म होने वाले। ये मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे यहाँ पे मैं फोटोज डाल दूंगी, आप देख लो। बहुत सारे एक्ने थे लास्ट एक साल से, खत्म ही नहीं होते। मैं क्या क्या कुछ भी, मतलब मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, मैं बहुत चीजें ट्राई की। मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, मैंने डॉक्टर को दिखाया, सब जगह मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ भी वर्क कर नहीं करा। फिर मैंने कुछ चीजें अपने पे एनालाइज किया, कुछ डॉक्टर्स की भी हेल्प ली, एंड देन मैंने अपना स्किन केयर स्टार्ट किया। मतलब इतने कम से 2 या 3 में मेरा काम हो जाता था। एंड उसके बाद से मेरी स्किन देखो कितनी सी, आई नो, ये देखो ये सारे जो है ना आपको दिख रहे हैं, ये एक्ने के मार्क्स है। मतलब एक्ने हुए थे वो सही हो गए, लेकिन आई नो थोड़ा एक एक्ने मेरे को यहाँ पे अभी है, क्योंकि मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा है, पूरी तरह से नहीं है। फिर भी आप देख रहे हो फेस पे मेरे, ये देखो कोई भी, मैं रगड़ लेती हूँ लो, ठीक है? देखो कोई भी मेकअप, कुछ भी फाउंडेशन, कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीजों पे ही स्टिक रहती हूँ। और मेरे अलमारी भर के सीरम रखे हैं, अलमारी भर के बहुत सारे क्रीम सीरम, न जाने फलाना वगैरह, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि मेरे को आ जाते हैं प्रोडक्ट एज अ इन्फ्लुएंसर, बट मैं उसको यूज नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी स्किन प्यारी। आई नो बहुत सारे एड मैं करती हूँ, बहुत सारे अच्छे भी प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल स्किन टाइप के। मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि वो प्रोडक्ट गलत, लेकिन वो नॉर्मल स्किन टाइप के। लेकिन अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन टाइप है, तो क्यों अपने स्किन को और ज्यादा धज्जियां उड़ा रहे हो एड्स देख के? तो इतनी ज्यादा बातें कर ली मैंने, मैं फटाफट से टू द पॉइंट पे आती हूँ। क्या चीजें आपको नहीं करनी है, आपको सबसे पहले तो बंद कर दो जितने भी एक्टिव इंग्रीडियंट्स हैं, जितने भी नियासिनामाइड, हाइलोनिक एसिड और सैलिसिक एसिड, और भी कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं, बहुत सारे आप लोगों में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के नाम, एएचए, बीएचए, जितनी भी चीजें, सब कुछ पहली फुर्सत में बंद कर दो। ट्रस्ट में बंद कर दो, उससे आपकी स्किन और वर्स्ट हो जाती है। कि मैंने भी बहुत सारे सैलिसिलिक एसिड ये सब लगाए, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर भी मुझे यही बोले, मैं खुद से नहीं बोली क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं खुद से नहीं बोलूँ, लेकिन मेरे जो जो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, एमडी को दिखाया, उन्होंने बोला कि जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उसको बंद कर दो आप सबसे पहले तो, क्योंकि वो आपके स्किन को और ट्रिगर, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके स्किन पे एएचए शूट करेगा, बीएचए शूट करेगा, हाइलोरोनिक एसिड शूट करेगा, नाइसिनामाइड शूट करेगा, नहीं पता। तो सबसे पहले सब कुछ बंद कर दो, सिंपल 2 या 3 चीजों को फॉलो करो, ठीक? उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया कि आप कौन सा क्लींजर यूज किया, मैंने बताया, तो कहे देखो इसमें विटामिन सी है, हाँ विटामिन सी भी बंद कर दो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे स्किन को ट्रिगर करती है, हमारी स्किन को सूट नहीं करती, सबकी स्किन एक जैसे नहीं होती है, ठीक है? तो उस चीज को भी बंद कर दो, जिस भी फेस वाले विटामिन सी है और विटामिन पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं, एचए, बीएचए, सब कुछ बंद कर दो। उन्होंने मुझे बताया आप सीताफिल का, ये जेंटल स्किन क्लींजर है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, डर्मेटोलॉजी रिकमेंडेशन है, आप इसको यूज करो, मेकअप रिमूव करना इसको यूज करो, देन उसके बाद फेस वॉश इसी से करो। तो उन्होंने बोला सीताफिल का आप ये वाला यूज करो, एंड ये 305 रुपीज का है, ठीक है? जेंटल स्किन क्लींजर है ये, बिल्कुल माइल्ड है। तो उन्होंने बोला मुझे ये यूज, तो मैं इसकी कोई उसकी बड़ी शीशी भी आती है। आपने आलिया भट्ट की वीडियो देखी है या नहीं देखी, जाके देख लेना। उन्होंने भी बताया है कि उनका फेवरेट स्किन क्लींजर यही है। इतनी बड़ी फिल्म स्टार है, वो क्यों यूज करेंगी, कुछ तो बात होगी ना, ठीक है? स्किन को क्लीन कर लो, उसके बाद टोनर वगैरह कुछ ना लगा, बहुत ज्यादा आपको नीड कुछ लगता है तो आप रोज वाटर, प्योर रोज वाटर लगा सकते हो, वो हार्म नहीं करता। उसके अलावा कोई भी टोनर नो यूज ना करो, क्योंकि टोनर में होता है एल्कोहल, एल्कोहल आपकी स्किन को और वर्स्ट कर देता है। आई मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, स्किन जल सकती है आपकी अल्कोहल से। तो बहुत सारे टोनर, मतलब मोस्टली टोनर में होता है कि आप कभी टोनर लगाते हो उसकी स्मेल सूंघो तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, क्योंकि अल्कोहल की। तो टोनर वगैरह सीरम वगैरह कुछ भी मत लगाओ, डायरेक्ट मॉइस्चराइज करो स्किन को, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, एक्ने हो, कुछ भी हो, आप स्किन को पतली सी लेयर लगा लो सीताफिल की अगेन मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम ये है ड्राई, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन सबके लिए है। एंड इसमें सबसे पहले इसमें ये देखो, ये जो लाइन लिखा है ये पढ़ो, वोंट क्लोग पोर्स, ठीक है?
इसका मतलब जो आपके स्किन के पोर्स को क्लॉक नहीं करता, ठीक है, बंद हो जाएगी स्किन के पोर्स, सांस कहाँ से लेगी स्किन, सांस कहाँ से लेगी, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट यूज कर, उसमें देख लो उसमें लिखा है कि नहीं, सीतापिल के ये प्रोडक्ट में लिखा हो वॉन्ट क्लॉक पोर्स, आप इसको फेस पे लगा सकते हो, बॉडी पे लगा सकते हो, कहीं भी, बहुत सेफ है। तो ये आपको 48 आवर तक स्किन को आपको हाइड्रेट भी करता है, लेकिन 24 घंटे बाद आप फेस वॉश करके यूज कर सकते हो, ठीक है। देन आप यूज करो सनस्क्रीन, सनस्क्रीन आप, अभी मैं लाइट में बैठी हूँ, इतनी सारी लाइटें हैं, ये भी मेरी स्किन को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि मैं घर में हूँ, ठंडी है फिर भी इफेक्ट कर रही है, तो हमें सनस्क्रीन लगाना है, ठीक है। सनस्क्रीन लेने के लिए उन्होंने अकेले मुझे बोला कि सनस्क्रीन, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वाला सनस्क्रीन लगाओ, उन्होंने बोला कि कोई भी सनस्क्रीन लगाओ, नॉन कॉमेडोनिक होना चाहिए, वॉन क्लॉक पोर्स होना चाहिए, ठीक है। देखो ये वाला, देखो यहाँ पे लिखा है ना, नॉन कॉमेडोनिक और वॉन क्लॉक पोर्स, ठीक है। तो ये वाला है कौन सा है, एक्ने यूवी जेल है 50, और ऑब्वियसली आपको 50 PA++ वाला ही आपको सनस्क्रीन लगाना है, तो ये वाला लगा सकते हो, या फिर एक और है यूवी डॉक्स का है। अब आप बोलोगे एक ही क्यों बताया, इसलिए मैं दो ऑप्शन दे दे रही हूँ आपको, यूवी डॉक्स का है, ये भी 50% है, इसमें भी देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है नॉन कॉमेड्रॉनिक, मतलब आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं उसको बंद नहीं करता, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। सनस्क्रीन लगा लो, बस इस वक्त भी मैंने यही करा है, सिर्फ ये तीन प्रोडक्ट, सिर्फ ये तीन, ये वाला तो नहीं लगाया मैंने, ये वाला लगाया, सिर्फ ये तीन प्रोडक्ट मैंने लगाया है फेस पे, और लिप बाम लगा लिया। लिप बाम भी आप SPF वाला होगा, क्योंकि होंठ जो होते हैं काले हो जाते हैं। अभी मैं शूट कर रही हूँ इसलिए मैंने ये स्विस ब्यूटी का कलर वाला लगा लिया है, वैसे मैं ट्रांसपेरेंट में या तो ये वाला लगा लेती हूँ, इसमें भी देखो 15 SPF, ये पॉपेक्सो का है, या फिर डॉट एंड की का मैं लगा लेती हूँ, इसमें SPF 30, ये वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें SPF 30 है, तो आपके होंठ भी काले ना हो, आपके होठों को भी SPF चाहिए, तो इसलिए आप लिप बाम लगा सकते हो, ठीक है। और रात में आपको फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइज करना है, सो जाओ लिप बाम लगा के। लिप बाम रात में आप नॉर्मल भी लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, या नॉर्मल वैसलीन लगा लो, हिमालय का लिप बाम लगा लो, ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर एक्ने आ रहे हैं, वैसे वाले एक्टिव एक्ने जिसमें पस होता है, तभी आप ये स्पॉट करेक्टर एक्ने पैचेस जो होते हैं, ये जो छोटे छोटे से पैचेस होते हैं, इसको एक निकालो और फिर आप डायरेक्ट एक्ने पे लगा सकते हो, तभी लगाना जब वो उसमें पस हो बहुत बड़ा। ऐसा नहीं है कि ये जो बोलते हैं कि चला जाएगा ये वो, ऐसा नहीं है, इसको मैंने बहुत यूज किया है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो आपके पस होता है ना वो निकल जाता है, एक्ने नहीं सही होता। इसमें ऐसा कोई टेंडेंसी नहीं कि आपके रातों रात एक्ने सही हो जाए, जो पस होता है बड़ा सा होता है, पस आपको दर्द हो रहा है तो फोड़ो नहीं, हाथ से ना फोड़ो, ठीक है, बोलते क्योंकि उसका पस निकलेगा, आजू बाजू लगेगा तो और ज्यादा एक्ने होगा। तो आप पैच लगा लो, या फिर कभी कभी मेकअप करना होता है, कहीं बाहर जाना होता है, एक्टिव पस भरा हुआ है, तो आप इसको लगा लो, उसके ऊपर मेकअप कर सकते हो, ठीक है। मेकअप जितना ज्यादा हो सके कम करना, ना करना। एक डॉक्टर ने मुझे बोला था मेकअप आपकी चॉइस होनी चाहिए, आपकी जरूरत नहीं बननी चाहिए, मतलब मुझे ये बात इतनी ज्यादा दिल पे लग गई, इतनी ज्यादा दिल पे लगी कि मतलब मैं तो मेकअप इसलिए करती थी कि मतलब मेरे एक्ने छुप जाए, मेरे डार्क सर्कल छुप जाए, मेरे पिगमेंटेशन छुप जाए, मतलब मेरी चॉइस नहीं होती थी कि मतलब मुझे आज थोड़ा सा चलो आज मेकअप कर लेते हैं, मतलब मन हुआ कर लिया, नहीं मन हुआ, नीड बन गया। तो अगर आपकी मेकअप नीड बन रही है वो गलत बात है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें बताया मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सारे प्रोडक्ट को आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, अमेजोन में बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाता है, ये प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, क्योंकि अमेजोन पे चल रहा है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, एंड यू कैन शॉप नाउ एंड गेट 50 to 80% ऑफ ऑन टॉप फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंड गेट सेम डे डिलीवरी ऑन 1500+ टॉप ब्रांड एंड ग्रेट प्राइस, ग्रैब डील ऑन 1 lakh+ लेटेस्ट स्टाइल। तो जितना भी आप आजकल या अब तक यूज करते हो सबको हटाओ, फेंक दो, और सिर्फ ये तीन चार प्रोडक्ट यूज करो, एंड ट्रस्ट मी 1 महीने तक आप इसको यूज करो, और फिर मुझसे आके मिलना, मिल तो नहीं सकते लेकिन मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम लाइट लुक सिक्स पे आप DM कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, ट्रस्ट मी मैंने ये यूज किया है एंड आपके सामने मेरा रिजल्ट है, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगो, प्लीज शेयर कर देना जितने भी आपके दोस्त यार होंगे जो कि जिनके स्किन नॉर्मल है, वो सैलिसिलिक या हेलोनिक एसिड यूज कर रहे हैं, दैट इज ओके, आई एम नॉट कंप्लेनिंग ऑन दैट कि प्रोडक्ट बेकार है, वो यूज कर सकते हैं, बट अगर आपके बहुत सारे एक्ने हैं और रिपीटेड मोड में है तो प्लीज उन सबको कर दो टाटा बाय बाय, और इसलिए मैं भी कर रही हूँ इसी वक्त टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।